गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं शुरू कर चुके न्यू ब्लॉग। अभी हम खड़े कानपुर का प्रसिद्ध ब्लूवर्ड, अभी हम ब्लूवर्ड के अंदर हैं और फाइनल हमारे साथ में तीन हमारे दो मित्र हैं और एक हम तीन लोग हैं और इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे ब्लूवर्ड क्यों एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है, क्या कुछ यहाँ पर नए बदलाव हैं और 15 अगस्त के पहले आज 13 अगस्त का ये दिन है जहाँ पर अभी हम अपने भाइयों के साथ मौजूद हैं और इस ब्लॉग को एक नए तरीके से कैप्चर करेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ हमें खास डिस्काउंट मिला है। हमें लगभग एक टिकट कितने की पड़ी है? 475 रुपए में एक टिकट पड़ी है जिसमें हमें नहाने के लिए भी है और मतलब वाटर पूरा ब्लू वर्ल्ड, मतलब हम उसी 475 में घूम सकते हैं। ये 15 अगस्त के लिए शायद अमृत महोत्सव के लिए खास ऑफर है और साथ ही साथ मैं बता दूँ अगर आपको इसमें हमें डिनर भी मिलेगा शाम का, वो भी है। और ये घर वाली राखी तो नहीं बंधवा पाए लेकिन हाँ ये वाली राखी जरूर बंध गई है और ये दोनों साथ में हैं। तो इस ब्लॉग को फाइनली पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि हम इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। देख रहे होंगे अभी हम एंट्री किए थे कि हमें ये कुछ कार्टून दिखे। फाइनली हमने आपको अपने इस बैक कैमरे से दिखाऊंगा कि इन कार्टून की क्या खासियत है और क्यों विख्यात है। पीछे आप देख रहे होंगे अभी ये हमारे दोनों भाई वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊँगा। वीडियो को मिस मत करिएगा, ब्लूवर्ड की सारी जानकारी आपको इस ब्लॉग में मैं दूंगा। पहले हमने पे किए थे बाहर 1450 रुपये और उसके बाद अब हमें अंदर आने का, अगर वाटरफॉल भी करना है मतलब नहाना है, ब्लूवर्ड का मज़ा लेना है, जो असली मज़ा है वो लेना है, तो उसके लिए हमें ये पर्ची फिर से लेनी पड़ी जो यहाँ पर कॉस्ट्यूम चार्ज है। तो हम अभी 3 पर्सन है तो हमें 3 पर्सन के हिसाब से 800 रुपये यहाँ देने पड़े जिसमें से एक लॉकर है और 6 कपड़े, मतलब एक ऊपर का एक नीचे का और क्योंकि 2 पीछे वो हैं तो 3 लोग बंदे हमें, तो 6 कपड़े और एक लॉकर का हमने टोटल यहाँ 800 रुपये पे किया है। जब हम रिटर्न करेंगे आके तो हमको ये फाइनली वापस कर देंगे 400 रुपये, मतलब 300 रुपये कपड़े के काटेंगे और 100 रुपये ये हमसे लॉकर रूम का लेंगे। उसके बाद हम अपने रूम पर जाएंगे और अपने कपड़े चेंज करेंगे और फिर शुरू कर देंगे ब्लू है पानी पानी। तो ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने ब्लॉग में दे रहा हूँ, तो ब्लॉग को कंटिन्यू जरूर देखिएगा। चलिए ब्लॉगिंग अंदर करते हैं, जल में ब्लू है पानी पानी, पीछे वो देखो दोनों आ ही रहे हैं। तो अब कितने चार्ज किया है यहाँ पे? यहाँ पर हमने किया 800 रुपये, उसमें से 400 वापसी होंगे, 400 वापस हो जाएंगे 3 बंदे। ठीक है चलो अंदर चलते हैं। तो आप देखिए अभी हमने जो पैसे खर्च किए थे फाइनली काम आ गए, ये ब्लू वर्ल्ड वाली ड्रेस में हम आ चुके हैं और अभी हम वाटरफॉल के अंदर हैं और ये साथ में हमारा मित्र है। अभी हम आपको बैक कैमरे से दिखाएंगे कैसा है नज़ारा, तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं।
फाइनली अगर अब मैं कुछ जानकारी की बात कर लूँ तो ब्लू बर्ड किस मायने से घूमने का एक सबसे बड़ा प्लेस बना जाता है। यहाँ पर चार तरीके के आपको वाटरफॉल मिल जाते हैं, मीडियम, हाई और लो। लगभग यहाँ पर शाम को समुद्र की लहरों का भी आप आनंद उठा सकते हैं। ब्लू बर्ड आने पर एक अलग अनुभूति की प्राप्त होती है, जैसे हम कहीं गोवा लंदन में घूम रहे हों। साथ ही ब्लू बर्ड में हमने जो चार्जेस पे किए थे उनमें हमें शाम का डिनर भी मिला, जो कि आप सामने देख रहे होंगे, हमें ये एक थाली मिली। अब इसके बाद हम यहाँ पर डिनर करेंगे और डिनर का आपको अनुभव दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ डिनर होता है, जो कि आप पर्ची कटाते हैं अगर ब्लू बर्ड में, आपको वहीं पर डिनर आप बता करके आप एक्स्ट्रा पर्ची ले सकते हैं जिसमें आपको शाम का डिनर यहाँ पर मिलता है। आप नहाने के पहले या नहाने के बाद में ये डिनर कर सकते हैं। डिनर कुछ इस तरीके का होता है, बहुत ही आनंदित होता है। भोजन काफ़ी अच्छा था क्वालिटी के पर्पज़ से, ब्लू बर्ड की तरफ से जो भी भोजन मिला वो बहुत अच्छा था। और साथ ही साथ ब्लॉग भी बहुत अच्छा है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर भी सब्सक्राइब कर लें और इंटरेस्टिंग जानकारी आगे देख रहे होंगे। अभी हम कर रहे हैं वाटरफॉलिंग और ये नाव हमारी चल रही है एक अलग अंदाज से, और हमने सामने से नाव पकड़ी थी। ये दीप चला रहा है, दीप का समझ आ रहा है, और देख रहे होंगे आप हम इधर ये सामने होते हुए उधर लास्ट तक जाएंगे बगैर किसी डर के। अंकल ने हमको लूट लिया, नागराज टेलीकॉम में पहुंच के मेरे फोन की दोबारा से जिंदगी मिल गई। फाइनली जब ब्लू बर्ड हमने अपना ब्लॉग कंप्लीट किया था तो फाइनली जो हमने पैक किया था ना फोन को पैक करने वाला, उसकी वजह से नुकसान होते होते बचा। कृपा रही इन अंकल की सामने खड़े, इनकी वजह से मेरा ये फोन दोबारा से जिंदा हो गया, जाते जाते बच गया। फाइनली हम जब ब्लॉग अपना कंप्लीट कर चुके थे तो कंप्लीट में कुछ पार्ट्स ऐसे बचे थे जो हमने नहीं शूट कर पाए उन दिक्कतों की वजह से, क्योंकि फ़ोन में जा चुका था पानी और फ़ोन की हो चुकी थी आधी आत्महत्या। आपने बचा लिया है, अभी हम मछरिया में खड़े हैं नागराज टेलीकॉम में, इनकी कृपा रही कि फ़ोन बच गया। अब ये पैसा ले लेंगे, वीडियो बना लेंगे, इसलिए हिसाब क्लियर चलते हैं। और साथ ही साथ इस ब्लू बर्ड वाले ब्लॉग को फाइनली जितने लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। अभी हम फाइनली नागराज शॉप पर खड़े हैं क्योंकि फोन की जो हालत है वो एकदम खस्ता हो चुकी है, 80% खत्म हो चुका था, लेकिन 20% जो बचे थे चांस इन दुकानदार की वजह से वो बच गया मेरा फोन। मैंने सोचा था कि आज मेरा 20,000 का चूना लग गया, और ब्लॉगिंग से इतनी कमाई तो है नहीं, तो फाइनली इनकी कृपा रही कि हमारा फोन फिर से जिंदा हो गया। इससे हम दोबारा से एक अच्छे वीडियो को शूट करेंगे और आप सब तक पहुंचाएंगे। अगर फाइनली आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपके साथ ये घटना होती है तो इसी नागराज शॉप पर आइएगा तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ब्लॉग के माध्यम से आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।